प्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी टॉपिक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। बीबीए बीकॉम और क्लास ट्वेल्थ में भी ये हेल्पफुल होंगे। तो क्वेश्चन यहाँ देखिए, जो मीनिंग दी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, पहले उसको देखते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या बनता है उसको देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स भी देख लेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स दैट प्रेजेंट एन एक्चुअल व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो मेरी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताते हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। इसके बीच में जितना भी मेरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए हैं उससे जो मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो निकल कर आ रहा है उसका जो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है और यही मेरे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करता है। दो वर्ड होते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजिशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट शो करते हैं एंड फाइनेंशियल पोजिशन क्या है मेरी वो बैलेंस शीट बताएगी। तो दो वर्ड याद रखिएगा। आगे यहां मीनिंग में लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट अ फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं इसमें सारा रिकॉर्ड रहता है कि क्या ट्रांजेक्शंस हुए हैं कंपनी में, उससे रिजल्ट क्या निकल कर आया ये बताता है। दीज स्टेटमेंट्स हेल्प द यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन इन डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजिशन लिक्विडिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हेल्प करता है, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, जैसे इन्वेस्टर्स, प्रॉस्पेक्ट इन्वेस्टर्स, ऑडिटर्स, आपके मैनेजमेंट हो गया, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन सबको ये इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये देखते हैं, डिसीजन लेते हैं कि क्या डिसीजन लेना, शेयर होल्डर्स डिसीजन लेते हैं। तो यही हेल्प होती है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई थिंक बहुत मीनिंग बहुत ईजी थी। क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एक फाइनल स्टेटमेंट है कंपनी का जिसमें फाइनेंशियल पोजिशन एंड परफॉर्मेंस पता चलती है, जिसकी हेल्प से जो यूजर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं अपना। सो अब आते हैं जो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग था वो हो गया। अब आते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाया जाता है। देखिएगा नीचे सेक्शन 40 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड्स। सेक्शन 40 में दिया हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी। तो 5 चीजें हमेशा याद रखनी है आपको, कंपनी की हम बात कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या बैंकिंग कंपनीज की बात नहीं कर रहे। तो इसमें दिया हुआ है सबसे पहले बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। जब भी किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होगा या अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पे तो आपको ये 5 चीजें उसमें हमेशा मिलेंगी। कोई भी कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्लिक करिए तो ये 5 चीजें आपको हर कंपनी के मिलेंगी, पब्लिक कंपनी होगी तो। तो यहाँ पे दिया है बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट होता है, उसके बाद है कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अगर एप्लीकेबल है अगर उस कंपनी के ऊपर तो वो बना कर देगी, फिर लास्ट में एक्सप्लेनेटरी नोट्स जिसको हम नोट्स टू अकाउंट कहते हैं। तो ये 5 चीजें होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्लियर हो गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हाट आर द थिंग्स इंक्लूडेड अंडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। सो ये तो कंप्लीट होता है। अब आते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का, क्या ऑब्जेक्टिव है अगर आपकी कंपनी है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाएंगे? Because you want to know the financial performance and financial position of your business. ये main reason है। और reason देख लेते क्या है? Financial statement shows an accurate state of company financial position, that is economic asset and liabilities. और second point में performance की बात कर रहा है। तो दोनों हमने भी आपको बताया, position and performance दोनों को पता लगाने के लिए हम financial statement prepare करते हैं। So this is my objective of preparing financial statement. Financial statement of a company depict effectiveness of its management. बिजनेस को चलाने का काम मैनेजमेंट का होता है, उन्होंने कैसा बिजनेस चलाया वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखेगा। प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, इफेक्टिवली वर्क हो रहा है, सब कुछ प्रॉपर रिसोर्सेज का यूज हो रहा है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनको शो होगा। तो ये क्या डिपेक्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, मैनेजमेंट कैसा है, अच्छा मैनेजमेंट है कि नहीं, प्रॉफिट निकाल कर दे रहा है कि नहीं। सो दिस इज ऑल्सो हाउ वेल अ कंपनी इज परफॉर्मिंग डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी विच दीज स्टेटमेंट्स शो। अब कंपनी किस तरह वर्क कर रही है, कैसी परफॉर्मेंस है उसकी, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये भी पता लगाने, ये भी बताने का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मेट बताएंगे कि किस तरह बैलेंस शीट बनाई जाती है,
और क्या नेचर होता है पहले उसको देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर देखेंगे, और भी कुछ टॉपिक उठाएंगे, फिर फॉर्मेट क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आगे हम स्टार्ट करेंगे अभी सीरीज में। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है स्केड्यूल थ्री फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट पार्ट थ्री। जो स्केड्यूल थ्री है हमारा कंपनीज एक्ट 2013 का, उसमें पार्ट थ्री एक है जिसमें फॉर्मेट दिया हुआ है कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी, और पार्ट टू स्केड्यूल थ्री के पार्ट टू में फॉर्मेट दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। तो ये दो चीज हम आगे कवर करेंगे, तो अभी तक इतना ही रखते हैं। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।